देश के इतिहास में न ऐसा कभी देखा गया न सुना गया जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर सरकार गिराने की साजिश करने के आरोप लगे हों, लेकिन ऐसा हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबड़े को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर दो जज एन वी रमन्ना पूर्व सीएम चंद्रबाबू के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन वी रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीजेआई जस्टिस बोबड़े को पत्र लिखा। सीएम जगन मोहन ने आरोप लगाया कि जस्टिस रमन्ना की बेटियां जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल रही हैं और उन्होंने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से जुड़े मामलों की सुनवाई प्रभावित किया। जगन मोहन रेड्डी ने सीजेआई बोबड़े को ये चिट्ठी 6 अक्टूबर को लिखी थी और अब इस चिट्ठी को हैदराबाद में मीडिया के सामने जगन मोहन रेड्डी के प्रमुख सलाहकार अजय कल्लम की तरफ से रिलीज किया गया। चिट्ठी में उन मौकों का भी जिक्र किया गया जब तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े केसेस को कुछ सम्माननीय जजों को सौंपा गया। इसके अलावा इस पत्र में कहा गया है कि मई 2019 में वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता पर आने के बाद से जब से चंद्रबाबू नायडू की सरकार द्वारा जून 2014 से लेकर मई 2019 के बीच की गई सभी तरह की डील्स की जांच के आदेश दिए गए हैं, तब से जस्टिस एन वी रमन्ना राज्य में न्याय प्रशासन को प्रभावित करने में जुटे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया, जमीन लेन देन को लेकर राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास पर जो जांच बैठी उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दायर की थी। बता दें कि 15 सितंबर को ही हाईकोर्ट ने मीडिया को एसीबी की तरफ से पूर्व एडवोकेट जनरल पर दर्ज की गई एफआईआर की डिटेल्स रिपोर्ट करने को रोक दिया था। यह एफआईआर श्रीनिवास पर अमरावती में जमीन खरीदने को लेकर दर्ज हुई थी। अपनी शिकायत में सीएम जगन मोहन ने कहा कि जस्टिस रमन्ना सरकार को अस्थिर करने में नायडू का साथ दे रहे हैं, वे हाईकोर्ट के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं और जजेस को प्रभावित कर रहे हैं। रेड्डी के अनुसार रमन्ना ऐसा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के हितों के संरक्षण के लिए कर रहे हैं और वे वाईएसआर कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहते हैं। देश में ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने जज के खिलाफ चीफ जस्टिस से शिकायत की हो जिसमें न्यायिक सिस्टम को प्रभावित करने की बात कही गई हो। जगन के जस्टिस बोबड़े आंध्र प्रदेश में जुडिशियरी की तटस्थता को बरकरार रखने की गुजारिश भी कर रहे हैं।